डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इससे पहले की सीरीज में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं हाउ वी प्रिपेयर द अल्कोहल्स एंड द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। टुडे आई एम एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और अल्कोहल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। सो नाउ द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल्स एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल्स। अल्कोहल का जो बिहेवियर होता है न्यूक्लियोफाइल्स और दूसरे साथ साथ इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह होता है। न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स हम पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले वीडियोज में, उसमें आप देखिएगा न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स न्यूक्लियस लविंग, दैट मीन्स इट हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स हैविंग ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोफाइल्स। द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जब बॉन्ड जो होता है ब्रोकन, बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन, जब OH के बीच का बॉन्ड, जो आपको पता है अल्कोहल ये है, अल्कोहल में OH के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होता है दिस टाइप ऑफ अल्कोहल इज नोन एज द न्यूक्लियोफाइल्स। एंड द बॉन्ड बिटवीन सी एंड ओ, सी एंड ओ का मतलब आर ओ और ये एच, ठीक है ये अल्कोहल है। जब सी और ओ के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपका अल्कोहल क्या होता है, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन। यानी कि कहने का मतलब है जब ओ एच, आपको बताया था कि अल्कोहल का बिहेवियर एसिडिक होता है, समटाइम्स इट एक्ट एज अ लुईस बेस आल्सो। सो दैट मीन्स जब अल्कोहल में ओ और एच का बॉन्ड, यानी कि ओ एच जो बॉन्ड होता है, ओ एच होता है, ओ एच के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो इस समय किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। कारण न्यूक्लियोफाइल की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि इस समय इसमें लोन पेयर आपके इलेक्ट्रॉन बच जाए, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड इस तरह से टूटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, तो इसका बिहेवियर किसकी तरह होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह होगा। और जब बॉन्ड ऐसे टूटा तो सी पर प्लस चार्ज आ रहा, ठीक है, कार्बन का यहाँ पर बॉन्ड टूटा, ये हो गया माइनस चार्ज हो गया, तो इस समय कार्बन का बिहेवियर क्या होगा, कार्बन का किसकी तरह काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी गिवन एलिफेटिक अल्कोहल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ OH एंड CH। किसी भी एलिफेटिक अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है किस पर डिपेंड करती है, OH O और H के बीच के बॉन्ड ब्रेक पर या R OH के बॉन्ड के ब्रेक पर डिपेंड करती है। एंड द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में भी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप, इसके बेसिस पर अल्कोहल की जो रिएक्शन है उसको कितने ग्रुप में डिवाइड करेगा, इट में भी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप। अल्कोहल के रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट रिएक्शन है ए रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, फर्स्ट टाइप की रिएक्शन जिसमें क्या होता है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, फर्स्ट टाइप की रिएक्शन वो है जिसमें O और H बॉन्ड का क्या होता है क्लीवेज होता है। कैसे देखिए, एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें पहली आपकी एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एन एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय एसाइल ग्रुप इज नोन एज एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल। क्या होती है, जब किसी अल्कोहल की रिएक्शन लाइक दैट, कोई भी आप अल्कोहल ले लीजिए, मैंने लिया CH3OH, मैंने यहाँ पर लिख रखा है ROH, ठीक है, R की जगह आप CH3 लिख सकते हैं, ट्रीटेड विद एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड। एसाइल हैलाइड का मतलब हो गया CH3, एसाइल हैलाइड का मतलब आपका CH3COCl, एसिटाइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड कहते हैं, इसे ट्रीट करते हैं, या तो इसमें क्या होगा आपका, हमने कहा रिएक्शन क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो देखिए O और H का बॉन्ड ब्रेक हो, यहाँ से H लिया और यहाँ से Cl लिया, HCl क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, HCl बाहर निकला तो बना हुआ प्रोडक्ट क्या हो गया CH3 क्या O, फिर क्या हो गया COCH3, ठीक है CH3O, और जहां से बॉन्ड टूटा क्योंकि बॉन्ड O और Cl से टूटा है तो Cl तो बाहर निकल गया, तो रिमेनिंग क्या रह गया यहाँ पर, यहाँ पर खाली बॉन्ड रह गया, तो बॉन्ड यहीं से जुड़ेगा, तो क्या हो गया COCH3। मैंने क्या बनाया, देखिए ROCOCH3, ठीक, तो इस समय बॉन्ड किससे ब्रेक हुआ, O और H से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक। अगर आप इसको ऐसे लेना चाहो, आप एसिटाइल क्लोराइड लेना चाहते हो, आप एसिटिक एनहाइड्राइड लेना चाहते हो, तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या हुआ CH3OH, आपका अल्कोहल है, एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया आपका CH3CO, CH3CO और बीच में क्या हो गया, ब्रिज में O, ठीक है, एनहाइड्राइड हमने ऐसे लिखा है, देखो CH3CO का होल टू HO, ठीक है, ऑक्सीजन किसके तरह काम करता है, ब्रिज की तरह। हमने कहा बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन OH ग्रुप, O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से H लिया और यहाँ से ग्रुप बाहर निकल गया, क्या बाहर निकल गया, ठीक है CH3COOH, ये आपका पूरा एलिमिनेट हो गया, बाहर निकल गया, तो बाहर क्या निकल गया आपका CH3COOH एलिमिनेट हो गया, रिमेनिंग क्या रहा CH3O रहा, ये रहा CH3 और O, ठीक है, और बचा क्या COCH3, क्योंकि जहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा वहीं से ऐड होगा, तो क्या बच गया आपका COCH3।
ठीक है, देखिए आर ओ सी ओ सी एच थ्री और सी एच थ्री सी ओ एच क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से हमारा ओ एच बॉन्ड ब्रेक होकर आपका क्या बनाता है, आपका द हाइड्रोजन एटम बाय एसएल ग्रुप नो लेते हैं एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल। इस प्रोसेस को हम कौन से कहते हैं, एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल, जो क्या क्या दिखाता है, क्लीवेज ऑफ ओ एच ग्रुप, ओ और एच का बीच का बॉन्ड को क्लीवेज को शो करता है। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग आर ओ एच बॉन्ड और क्लीवेज ऑफ सी और बॉन्ड, सी और ओ के बीच का बॉन्ड, जो सेकेंड टाइप की रिएक्शन है वो किसके बीच क्लीवेज दिखाता है, हमारा दिखाता है सी और ओ के बीच के बॉन्ड की ब्रेक। अभी तक हमने दिखाई ओ और एच के बीच की बॉन्ड की ब्रेक रिएक्शन, अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सी और ओ के बीच की बॉन्ड की रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करनी है, जिसमें है आपकी, जिसमें आपको मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिसमें है आपका द रिएक्शन इन्वॉल्व आर ओ एच बॉन्ड विद द क्लीवेज ऑफ सी ओ बॉन्ड आर एच फॉलोज। इसमें फर्स्ट है आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन नाम से इंक्लूड हो रहा है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन आपने जनरली सुना डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट मतलब होता है केमिस्ट्री में किसी में भी वाटर मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होना, वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस कहलाती है। क्या मतलब है, देखिए इंट्रामॉलिकुलर डिहाइड्रेशन फॉर्मिंग एल्कीन, इंट्रामॉलिकुलर डिहाइड्रेशन से क्या बनती है, एल्कीन बनती है। अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑन ट्रीटेड विद प्रोटिक एसिड लाइक कॉन्सेंट्रेटेड एच2एसओ4, एच3पीओ4 और ए कैटलिस्ट सच एज एनहाइड्रेस ZnCl2 और Al2O3। इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, एल्कीन, एल्कीन हमारी प्रोड्यूस होती है। इन दिस रिएक्शन द ओएच एंड एच इज रिमूव फ्रॉम द एडजेस्टेंट कार्बन सच ए वाटर रिमूव फ्रॉम द अल्कोहल। देखिए मैंने आपको क्या बोला, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूव होना होता है, तो वही बात मैं बोल रही हूँ, सच ए रिमूवल ऑफ द अल्कोहल, वाटर इज रिमूव फ्रॉम द अल्कोहल, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ रिएक्शन। केमिस्ट्री में कहीं पर भी डिहाइड्रेशन की बात आएगी तो डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर को एलिमिनेट होना। Secondly, industrial alcohol dehydration undergoes a middle condition. The condition of the dehydration alcohol depends closely on the structure of the individual alcohol. Primary alcohol में तो dehydration easy हो जाता है। Primary alcohol का मतलब क्या होता है, जिसमें एक R group होता है उसे हम कौन सा alcohol कहते हैं, primary alcohol कहते हैं। But in case of secondary and tertiary alcohol के लिए क्या होते हैं, कौन सी condition रहती है, middle condition, यानी कि कोई specific condition की requirement होती है जिसके परिणाम क्या होता है, dehydration की process होती है और हमारा finally क्या बनता है, एक product की प्राप्ति होती है। जैसे कि हम ले सकते हैं फॉर प्राइमरी अल्कोहल, हमें प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, ये दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, क्या है, CH3CH2CH2CH2OH प्राथमिक अल्कोहल है जिसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। इसमें प्राइमरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एनी प्रोटिक एसिड लाइक दैट, कोई भी आप प्रोटिक एसिड ले लीजिए, मैं इसको अलग से सेपरेट करके दिखा रही हूँ, CH3CH2OH, ठीक है, सिर्फ ये ले रही हूँ मैं, ये आपका 1 2 3 4 ब्यूटीन है, मैंने सिर्फ इथीन में लिया, अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एच2एसओ4 एनी प्रोटिक एसिड, आपको स्टेटमेंट में बोल चुकी हूँ मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी प्रोटिक एसिड, और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में काउंट होती है, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड एंड 170 डिग्री सेल्सियस 170 डिग्री सेल्सियस पर सेल्फ एलिमिनेशन, यानी कि खुद एक ही किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती, सेल्फ खुद ही निकल कर क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल कर एल्कीन की प्राप्ति होती है। तो ये आपका ओएच ग्रुप है, दिस इज द ओएच ग्रुप, और वैसे भी आपको मैं बता चुकी हूँ ये रिएक्शन क्या है, सी और ओ के बीच की बॉन्ड की रिएक्शन है, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो दिस इज द बॉन्ड ब्रेक रिएक्शन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी, ये आपका ओएच ग्रुप हो गया। तो इस कार्बन से आपका ओएच एलिमिनेट हो चुका है, आपको निकालना क्या है, वाटर निकालना है बाय सेल्फ एलिमिनेशन। सेल्फ एलिमिनेशन के लिए किसी रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, हमने रिएजेंट क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड एच2एसओ4, तो ये आपका हो गया OH ग्रुप, दिस इज द OH ग्रुप। तो इस वाले कार्बन से आपका OH निकल सकता है, तो इस वाले कार्बन से H निकलेगा, साथ साथ एक चीज नहीं निकलेगी कोई भी चीज, तो ये हो गया OH और ये हो गया H, H2 निकल गया, यहाँ क्या बचा, CH3 से एक H निकल चुका है, तो रिमेनिंग क्या रहा, CH2, ये बॉन्ड रहा, डबल बॉन्ड हो गया, और ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड, और बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, ये H यहाँ से निकला तो इसका बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये हो गया CH2 हमारे केवल की इथिन। सेम है यहाँ पर एक प्रोसेस होगी, ये रहा OH ग्रुप, इस वाले कार्बन से OH निकल चुका है, तो इसके बगल वाले कार्बन से H निकलेगा, यहाँ से H निकला, क्या बना प्रोडक्ट, CH3CH11CH11CH2, एल्कीन की प्राप्ति हो गई। लेकिन ये थी बात किसके लिए, प्राइमरी अल्कोहल के, लेकिन अगर बात करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, तो मैंने कहा सेकेंडरी अल्कोहल के लिए बात करेंगे, हम फिलहाल हमने यहाँ पर कौन सा अल्कोहल लिया है, ये कौन सा अल्कोहल दिख रहा है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंड नहीं है, आपको दिख रहा होगा ये OH ग्रुप है, ये पूरी चेन से जुड़ा हुआ है, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, तो OH यहाँ से निकला, इस वाले कार्बन से क्या निकला, OH निकला, 1 2 3 आपके तीन कार्बन जो है इस कार्बन से जुड़े हुए, तीनों कार्बन क्या है आपके इक्वल है, ठीक है, ये कौन सा अल्कोहल है, इस वाले कार्बन से OH जुड़ा, तो इनमें से किसी में से भी क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा, और आपका बना हुआ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, क्या बन गया आपका, एल्कीन की प्राप्ति, ठीक।
सेम है, अगर साइक्लिक कंपाउंड के लिए बात करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड के लिए बात करेंगे तो देखिए किस तरह से रिएक्शन हो रही है। OH H प्लस आयन क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, इस पर अटैक करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन जी OH 2 प्लस आयन। OH 2 प्लस आयन बहुत ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं होंगे, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हुए तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक, इसको वैसे मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको। देखिए ये आपका आपका साइक्लिक कंपाउंड है, ये हो गया आपका CH2 आपका CH2OH2+। ठीक है, यहां पर से ये H+ आयन ने इसके लोन ऑक्सीजन के लोन पे होता है, इस पर रिएक्शन करके OH2+ बनाया। ठीक, बहुत देर तक रिएक्शन स्टेबल नहीं होगी तो OH2+ बाहर, OH2+ यानी कि H2 बाहर हो गया, वैसे भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, H2 बाहर निकला, H2 बाहर निकल गया तो आपके फायदे में क्या बचा, H2 बाहर निकलने के बाद ये CH2 इसके साथ CH2 अपने बॉन्ड क्या हो जाएगा, अंदर एंटर कर जाएगा, अंदर एंटर कर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 चार कार्बन थे, चार कार्बन से कितने कार्बन बदल गया, 5 कार्बन में, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और बैलेंस के लिए यहाँ पर आपका क्या हो गया ये, क्योंकि अब आपका क्या हुआ CH2 अंदर शिफ्ट हुआ। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली चीज है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, H2 बाहर निकल गया, ये CH2 बॉन्ड के अंदर शिफ्ट हुआ तो ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट करा मैंने, इस बॉन्ड को हमने क्या करा अंदर शिफ्ट करा, इस बॉन्ड को अंदर शिफ्ट करा, जहां पर भी शिफ्ट करा वो शिफ्ट हो गया, ये CH2 एक कार्बन बढ़ गया इस बॉन्ड के अंदर, इस बॉन्ड के अंदर एक कार्बन बढ़ा तो कितने कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, तो आपका बना हुआ प्रोडक्ट क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड, वो भी साइक्लिक एल्कीन। सेम यही प्रोसेस अगर अप्लाई करी जाए सेकेंडरी अल्कोहल में, तो सेकेंडरी अल्कोहल डिहाइड्रेटेड अंडर वाइडर कंडीशन विद द प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल भी वाइडर कंडीशन में क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल की तरह डिहाइड्रेशन की प्रोसेस शो करता है। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि डिहाइड्रेशन की प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कॉन्सेंट्रेट एसिड या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। तो हमने क्या है साइक्लोहेक्सेनॉल ले रखा है, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल में सारी पोजीशन पर क्या है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल है और आपकी सारी पोजीशन पर क्या है आपका एच जो है, तो ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला OH और यहाँ पर आपकी सारी पोजीशन पर क्या है एच, क्या निकला यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकला एच, क्या निकल गया H2। ठीक, ये बॉन्ड कैसे आया देखिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ, अंदर शिफ्ट हुआ, अंदर से टू डबल बॉन्ड बन गया, सेम वही प्रोसेस जैसे जैसे अभी मैंने 4 कार्बन वाले में एक्सप्लेन करा था। ठीक, अब टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेटेड अंडर इवन वाइडर कंडीशन, अब टर्शियरी अल्कोहल को भी डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी तो आपके पास OH तो ये है, ठीक हो गया, इसके लिए वाइडर कंडीशन क्या है 20% H2SO4 का यूज करेंगे, तो ये हो गया OH। अब तीनों कार्बन बराबर है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीनों कार्बन, तो इन तीनों कार्बन में से किसी एक कार्बन से भी क्या निकाल सकते हो, H निकाल सकते हो, आपने यहाँ से एच ले लिया, क्या निकल गया H2, तो रिमेनिंग क्या रहा यहाँ पर बचा आपका CH2 जो हमने इधर को शिफ्ट कर दिया, यानी कि इसको आप लिख सकते हो, आप ऐसे क्या कर रहा है देखिए ध्यान से, ये हो गया CH3 और ये हो गया OH। ठीक है, ये OH तो निकल रहा है आपका, ये OH तो निकल जाएगा क्योंकि आपका बॉन्ड ब्रेक करना, OH यहाँ से निकल जाएगा, अब किसी एक CH3 से इसको हम CH3 को ऐसे लिख देते हैं। ठीक, यहाँ से ऐसे निकल गया, क्या निकल गया CH2, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये CH3 ऐसे ही रहा, ये CH3 रहा, ये CH3 ऐसे ही रहा और ये हमारा बच गया CH2, दिस इज CH2। ठीक है, ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात है, बैलेंस करने के लिए डबल बन गया, तो हमारा बना प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बन गया। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एज द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज दिस वन, किसी भी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करने के बाद उसकी जो रिएक्टिविटी होती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो देख ली, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन फॉर्मिंग एन ईथर, कभी कभी इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन के थ्रू क्या होता है, ईथर भी बनता है, लेकिन मैंने बोला माइल्ड कंडीशन ली जाती है तो आपका क्या बनता है, सेल्फ एडिशन से आपका क्या बनता है, सेल्फ, किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ी, देखो एक ही मॉलिक्यूल में, इसी मॉलिक्यूल से OH निकला, इसी से H निकला, इसमें भी आपने देखा इसी मॉलिक्यूल से OH निकला, इसी से क्या निकला H निकला, इससे पहले भी आपने देखा OH यहाँ से निकला, ये OH यहाँ से लिया, यहाँ से आपने क्या लिया H लिया, यानी कि ये सारी सेल्फ एडिशन रिएक्शन थी, लेकिन जब डिहाइड्रेशन की प्रोसेस किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसमें टेम्परेचर कम होता है, देखिए व्हेन द डिहाइड्रेशन इज कैरीड आउट एट टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस ईथर विल बी फॉर्म, यानी कि इसमें किसी दूसरे मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, जब तक दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा तो आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा, आपका फाइनली प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यानी कहने का मतलब है जब तक आपका प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल, यानी कि सीधी सी बात कहूँ अल्कोहल आपका सेल्फ एडिशन के थ्रू रिएक्शन बनाता है तो आपका बनता है एल्कीन प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जब दूसरे मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा मॉलिक्यूल लिया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, ईथर बनता है, जिसमें मैंने एक रिएक्शन ली है, इसके आगे की रिएक्शन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कन्फर्म करूंगी, अभी देखिए इस क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है आपको समझने के लिए टाइम चाहिए, आप आराम से समझिए। तो हमने अगर लिया CH3 CH2 OH, ठीक
ठीक है, सेल पार्टीशन नहीं करना है इसमें, इट टेक द सेकंड मॉलिक्यूल्स आल्सो। तो हमने लिया OH, इसको उल्टा करके लिख देती हूँ मैं, OH CH2CH3, ठीक है। तो हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए, अब दूसरा मॉलिक्यूल्स लिया तो इधर वाले से OH, इधर वाले से H, क्या निकल गया H2, तो रिमेनिंग क्या रहा CH3CH2O, हमारा बना CH3CH2O, ठीक है। और इधर क्या बचा CH2CH3, तो हमारा क्या बना, जब दो मॉलिक्यूल्स लिए हमने, कंडीशन वही है कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस ऑफ ऑरा, लेकिन जब सेल्फ कंडीशन नहीं हुआ, दूसरे मॉलिक्यूल्स की भी जरूरत थी, दूसरा मॉलिक्यूल साथ कंबाइंड होकर क्या बनाता है वो, आपका आपका क्या बना दे रहा है, ईथर बना दे रहा। तो कहने का मतलब है, तो इस समय किसकी प्राप्ति होती है, ईथर की प्राप्ति होती है, कंडीशन 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसमें कंडीशन 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक। तो इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन सेल्फ एडिशन और बाय द अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो एक थी 140 पर, एक थी 170 पर। इसके आगे की जो आपकी रिएक्शन है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा था और आपको समझाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था, तो अब मैंने इसका सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो आपको बाद में कंफर्म करूंगी, दैट मीन्स नेक्स्ट आपका, आप वेट करिए, आपका नेक्स्ट आपका वीडियो इसके आगे की रिएक्शन आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।